सो देर इज़ अ वाइज वर्ड फॉर द ऑल इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स, जो बच्चे ये पूछ रहे हैं सर कि मेरा ग्रेजुएशन हिंदी में है, मैं क्या करूँ, हिंदी में कोर्स आप प्रोवाइड कीजिए या फिर हिंदी में क्या मैं एमए इकोनॉमिक्स कर सकता हूँ या नहीं। देखिए, आप कर तो सकते हैं हिंदी में, जैसे BHU इलाहाबाद में, इन सब में कर सकते हैं, बट देर इज़ अ नो यूज। देखिए, मैं थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ, आई स्पीक वॉट इज जस्ट ब्लैक एंड वाइट, देर इज़ नो ग्रे एरिया, देर इज़ नो एपीजमेंट कि यस यू कैन डू दैट, यू कैन डू दैट, यू कैन बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर एंड नॉट। इकोनॉमिक्स अगर आपको अच्छे से करना है, अपने लाइफ में एक्सेल करना है, प्लीज़ चेंज योर थॉट और हिंदी में बिल्कुल भी आगे पढ़ाई ना करें। ट्राई टू सी कि अगर थर्ड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में अगर चेंज हो जाए तो दैट इज़ वेल एंड गुड, अदरवाइज मास्टर्स फर्स्ट ईयर से आप इंग्लिश में लिखें, अदरवाइज इस लाइन को छोड़कर आप और किसी और चीज़ का लाइफ में तैयारी कर सकते हैं। लॉट्स ऑफ थिंग्स नाउ डेज इन द एरा ऑफ डिजिटल दिस इकोनॉमी एंड ऑल, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, मैं उनके लिए यह बोलूँगा जो CUT PG इकोनॉमिक्स से तैयारी करना चाह रहे हैं, कोर्सेज वगैरह रनिंग हैं, इफ़ एंड बट्स के मूड में ना रहें, लूँ ना लूँ, खुद से तैयारी करूँ ना करूँ। सी, सेल्फ स्टडीज ऑलवेज प्रीफर्ड, बट आपको लग रहा है कि नहीं लूँगा, बाद में लूँगा, तो फिर ज़्यादा फायदे नहीं होंगे। अगेन अगेन टेलिंग योर एग्जाम विल बी इन द मार्च, हो सकता है तो अभी ले लें, कोर्स भी काफ़ी मिनिमम है, 5-6 thousand के आसपास है, और यह आगे भी ऑलमोस्ट यही प्राइस रहेंगे। वी प्रोवाइड एवरीथिंग, टेस्ट नोट्स, टेस्ट क्लासेज, लाइव क्लासेज, रिकॉर्डेड क्लासेज, ईच एंड एवरीथिंग विल बी देयर, ईच टॉपिक, जैसे माइक्रो है, मैक्रो है, मैक्रो है तो आई गो बियॉन्ड सिलेबस, इंडियन इकोनॉमी, स्टेटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, ईच एंड एवरीथिंग। एंड यू प्लीज वॉच डेमो लेक्चर्स, नीचे डेमो लेक्चर्स होंगे अराउंड 15-20, यू वॉच देम वन बाय वन, देन यू गेट योर ओन आइडिया, सेल यू ज्वाइन और नॉट, डोंट गो विथ अदर वर्ड्स, क्या मैं वहाँ जाऊँ वहाँ ना जाऊँ, डोंट आस्क फॉर रिव्यू इवन, दैट कैन बी मैनिपुलेटिव, हो सकता है वह रिव्यू आपको गलत भी दे दे, आप मैंने अच्छा पढ़ाया हो वो गलत बता दिया, मैंने कुछ गलत पढ़ाया हो अच्छा बता दे। सो बी योर ओन मास्टर्स, हैव सम थिंकिंग एबिलिटी, बी रेशनल, आप डेमो देखिए, 2-4 नहीं 5 नहीं 10 नहीं 15 डेमो देख लीजिए, उसके बाद तो एक आइडिया आ जाता है व्हाट ही और समबडी इज टीचिंग, हाउ वेल इट इज। एंड प्राउडली आई कैन से दिस ईयर माई स्टूडेंट्स हैज डन वंडरफुल जॉब, 15-16 सेलेक्शंस इन AHCU, अराउंड सेम 13-14 इन JNU, DSE में तो 20 के अप्रॉक्स, 20 प्लस हो गए थर्ड फोर्थ लिस्ट आने आने, HDR में 3-4 पीपल गॉट इन टू, और ऑलमोस्ट सब के कट ऑफ नियरली 230 गए, व्हाट आई प्रिडिक्टेड नियरली कि 225 के आसपास JNU जाएगा, JNU भी 230-234 के आसपास गया है। सो दैट इज़ द कट ऑफ, अभी जो आप देख रहे हो अगस्त एंड में जिनका एडमिशन होगा, दैट इज़ द रियल कट ऑफ, कट ऑफ इज़ नॉट विच केम इन जुलाई, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, नो दैट इज नॉट द कट ऑफ, कट ऑफ इज़ द लास्ट स्टूडेंट which got admission, so cut off again went as we predicted, थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ। HCU का मैंने 170-175 predict किया था, अभी 180 वालों को call आया है, 180 people got cut off, IGDR के लिए I told 230 plus, वहाँ भी 234-235 cut off गया है, DSE के लिए थोड़ा मैंने mismatch किया है, that I admit around 10-15 marks, DSE में भी cut off nearly 230-235 के आसपास गया है, जहाँ पे मैंने 215 के around बोला था, तो DSE के साथ, बाकी you see the cut off, मैंने IGDR जे गोखले के लिए मैंने कट ऑफ बताया, जनरल कैटेगरी 150 प्लस आपको ऑलमोस्ट सब मिल जाएंगे, OBC के तो 110-115 पे एडमिशन हुए हैं, एज आई टोल्ड की सबसे हाईएस्ट कट ऑफ जाएंगे IGDR के, फिर JNU के, फिर DSE के, एंड इस बार क्या हुआ, लगभग तीनों के बराबर हैं, अभी भी शायद हाईएस्ट कट ऑफ जो है IGDR का ही है, इफ़ यू सीन एब्सोल्यूट नंबर, फिर है आपका JNU का है, फिर DSE का है, फिर डायरेक्ट HCU का है इन पब्लिक institutions, ठीक है। सो माई वाइज वर्ड्स विल ऑलवेज देयर, प्लीज़ वॉच द videos अवेलेबल, गो टू द प्ले लिस्ट, डाउनलोड नवीनॉमिक्स ऐप, गिव 15-20 टेस्ट, 20 टेस्ट अवेलेबल हैं वहाँ यार, टेस्ट आप दो अच्छे से, एंड आई मे नॉट बी अपलोडिंग videos रेगुलरली, बट स्टे ट्यून्ड रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नीचे टेलीग्राम लिंक होगा, हर 3-4 दिन पे 5 दिन पे एक दो वीडियो आते रहेगा रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स, और मैं जितने भी इकोनॉमिक्स के हैं, चाहे माइक्रो के हो, मार्केट्स के हो, मैक्रो के ISLM हो, चाहे मैथ्स के हो, चाहे स्टेटिस्टिक्स के हो, प्रोबेबिलिटी के हो, इकोनॉमेट्रिक्स को, ऑलमोस्ट हर टॉपिक के दो तीन वीडियो डाले हुए हैं, यू प्लीज़ वॉच दैट फ्रॉम द प्रीवियस बैच और कुछ करेंट बैच के भी हैं, आई विल बी टीचिंग यू ओनली इन द कोर्स, सो दैट इज़ देयर। एंड अभी से आप नोट्स बनाना शुरू करें, आई हैव अपलोडेड फ्यू पॉडकास्ट एल वेल, अब मैं पॉडकास्ट को ज़्यादा मैं प्रमोट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर आप कोर्स को अपने प्रमोट करने के लिए पॉडकास्ट करवा रहे हैं, नहीं, पॉडकास्ट शुड बी देयर लाइफ लर्निंग, वो अपने लाइफ से क्या लर्न किया है, लाइक somebody ऑलवेज टारगेट्स CUT ओनली, इट्स फाइन, अगर इनको DSE जाना है तो उनको सिर्फ CUT टारगेट करना चाहिए, वो क्यों अदर सब्जेक्ट्स दे, ओके।
चलिए तो ये है, इसको आप फॉलो करेंगे और कुछ भी डाउट होगा नीचे कमेंट में पूछेंगे, टेलीग्राम लिंक नीचे दिया होगा उसको ज्वाइन कर लेंगे। एंड ट्रस्ट मी, आई विल बी ऑलवेज देयर फॉर यू, आई विल बी ऑनेस्ट रिगार्डिंग माई, चाहे कोर्स हो चाहे सजेशंस हो, यू हैव टू जस्ट हैव फेथ इन मी। यू स्टडी द पर्सन एज यू स्टडी द सब्जेक्ट, यू प्लीज ट्राई टू स्टडी द पर्सन, गिव टाइम एटलीस्ट यूर सेल्फ और हिम सेल्फ, फिर आप जज करें। थिंग्स आर नॉट एज क्लियर एज यू सी, प्लीज गिव सम टाइम, विश यू द बेस्ट एंड होप टू मीट यू आफ्टर आई थिंक नेक्स्ट वीक, 3 से 4 दिन में फिर कुछ वीडियो जाएंगे। अब जो वीडियो जाएंगे आपके करियर को लेकर आएगा, क्योंकि जॉब मार्केट इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल, आपको अपने इकोनॉमिक्स को स्ट्रॉन्ग करना होगा। और इतना चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप हमारे क्लास पूरा लेक्चर्स देख लेते हैं, नोट्स देख लेते हैं, यू विल बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ इन इकोनॉमिक्स ओवरऑल, आई एम टेलिंग यू। ठीक है, चलिए, बाय बाय, टेक केयर। ऑल कोर्स डिटेल्स गिवन हियर, यू कैन गो एट आवर वेबसाइट और ऐप फॉर ऑल द फ्री कंटेंट्स एज वेल एज कोर्स। चलो, बाय बाय गाइज़।